आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है सरकार ने संवैधानिक तरीके को नहीं अपनाया, जल्दबाजी में एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करते हुए ये फैसला लिया? सरकार ने बहुत सही फैसला लिया और बहुत सही समय पर फैसला लिया है। सरकार का ये जो कदम था कि ये मैं देख रहा हूँ डिबेट, ये बताया जा रहा है कि क्यों अमरनाथ यात्रा बीच में रोक दिया गया और अमरनाथ यात्रा रोक के क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, क्या इतना जल्दीबाजी थी, ऐसा हम देख रहे हैं डिबेट में। मेरा यह कहना है कि क्या हम किसी बड़ी घटना का इंतजार करते हैं या बहुत इंतजार करते कि कुछ बड़ी घटना है, कुछ लोग यात्री हमारे मारे जाते तब हम कोई बड़ी कदम उठाते। ये जैसे ही हमको मिला वहां पर एक आर्म्स मिला और वो सुरंग ऐसा चीज जो मिला हमको, जब भी पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पड़ोसी देश या आतंकवादी से जो समर्थित होते हैं वो लोग ऐसा करने के फिराक में है, जो कि पुख्ता इंतजाम था कि होगा ही, तो सबसे पहले हमारा ध्यान गया कि सबसे पहले हम लोग अपना यात्री को सुरक्षित वहां से निकालें। इसीलिए हमारा सवाल है श्रीवास्तव जी, इसीलिए हमारा सवाल है, जब ऐसी सूचना थी, ऐसी सूचना होने के बावजूद इतना बड़ा फैसला, जो इस बात को भी दर्शाता है, इस बात की भी संभावना थी कि कुछ भी हो सकता है वहां पर, चूंकि आप एक चीज को चेंज कर रहे हैं, यह अच्छी बात है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा रिस्की था ये फैसला? मैंने बताया ना आपको, ये बहुत सही समय पर और सही फैसला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि अभी जो 370 जो सब कोई जान रहा है कि 370 हट गया, 370 क्या था, अभी भारत के जितने भी नागरिक हैं, नॉट इवन इंडिया, विदेशों में भी अब लोग जानना चाह रहा है, पढ़ रहा है लोग कि 370 था क्या। तो सबसे पहले 370 था क्या और 370 हटा तो उसे क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, और अभी ये लागू हुआ तो अभी क्यों लागू हुआ, बाद में क्यों नहीं लागू हुआ, या अभी ही लागू करने का क्या आवश्यकता पड़ गया। तो ये जब भी लागू होता, जब भी इसको हटाया जाता, लागू हुआ था 1954 से, जो इतना सालों लगते, और जब भी हटाया जाता तो उसके पीछे का यही लॉजिक उस समय भी होता कि अभी क्यों हटाया गया, अभी क्यों हटाया गया। तो आप हमको ये बताइए कि इसका क्या, किस समय, कौन सा समय सही रहता है इसको हटाने का? जी नहीं नहीं, कौन सा समय, नहीं नहीं, जिस तरीके से डिसीजन हुआ, हम लोग उस डिबेट में नहीं जाए कि हम लोग उस पर नहीं जाए, ठीक है, हम लोग उस पर नहीं जाए कि कौन सा सही समय होगा, हम लोग इस पर जाए कि 370 हटने से लाभ हुआ जनता को या नुकसान हुआ, क्यों लाभ या नुकसान हुआ, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट यह है, सब्जेक्ट यह नहीं कि क्यों हटा भी, नहीं तरीका नहीं हटा, तरीका के ऊपर भी, तरीका के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, संविधान से अगर देश चलता है तो निश्चित तौर पर संवैधानिक तौर तरीकों के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे और उस सवाल का संतोषजनक जवाब भी आना चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलता और न चलेगा। मैं शिशिर बाजोरिया आपके पास आ रहा था कि जो सवाल यहाँ से आया ओपी शाह की तरफ से, जिन उद्देश्यों के साथ बिल्कुल शशि जी ने आज एक बहुत बढ़िया बात उठाई।